हेलो फ्रेंड, मैं पुष्पेंद्र आकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम विभक्ति सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आप पर इस वीडियो में पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में वही कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो संप्रदान के लिए यहाँ पर क्या आता है, के लिए। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में के लिए आता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, चतुर्थी विभक्ति यूज़ करेंगे। जैसे कि आप सेंटेंस देख सकते हैं, राम श्याम के लिए फल लाता है, राम श्याम के लिए फल लाता है, राम श्याम के लिए। तो यहाँ पर के लिए आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति लगी, राम श्यामाय फलम आनयति। तो यहाँ पर श्याम के लिए, तो श्याम के लिए, तो श्याम में क्या लगेगा आपका, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो क्या हो जाएगा, राम श्यामाय फलम आनयति। भक्त दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, दर्शन के लिए, तो दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, भक्ता दर्शनाय मंदिरम गच्छति। दर्शनाय में कौन सी व्यक्ति आएगी, चतुर्थी व्यक्ति आएगी। तो जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में आपका के लिए आता है तो वहाँ पर हम चतुर्थी व्यक्ति लगाते हैं। लेकिन अब आते हैं वही आपकी उपपद विभक्ति, कौन है आपकी उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो जो धातुएँ हैं धातुओं के हिसाब से यहाँ पर आपका चतुर्थी व्यक्ति लगे। अगर किसी भी सेंटेंस या पार्ट में दा या याच, दा यक्ष देना, अगर ये वाली धातु आती है दा यक्ष देना, तो इसमें आप चतुर्थी व्यक्ति का यूज़ करेंगे। माँ बालक को फल देती है, देना मीन्स देना आ गया, तो अब आपको के लिए आए चाहे नहीं आए, अगर देना धातु है तो मतलब चतुर्थी व्यक्ति आएगी। माँ बालक को फल देती, तो माता बालकाय फलम ददाती, माता बालकाय फलम ददाती। दूसरी ये धातु है आपकी रुच धातु, रुच मतलब होता है अच्छा लगना, रोचते रोचनते, तो इसमें आपका जहाँ पर भी अच्छा लगता है, रोच धातु आती, रुच धातु आती, वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का। उसे पढ़ना अच्छा लगता है, रोचना या अच्छा लगना एक ही बात है, तो उसे, तो किसे, उसे, उसकी बात हो रही है तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति आएगी। जिसकी बात हो रही तो उसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसे में कौन सी व्यक्ति होगी आपकी, चतुर्थी। तस्मय पठन पठनम रोचते, तस्मे पठनम रोचते। तो आपको ध्यान देना है कि दा धातु है यच है, तो आपको क्या करना है, आपको चतुर्थी व्यक्ति यूज़ करना है। दूसरा रुच धातु है अच्छा लगना, जिसमें भी आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है, वहाँ पर भी आपको चतुर्थी विभक्ति यूज़ करना है। समझ में आ गया इतना, अब हम आगे बढ़ते। अब इसके बाद हम अगली धातु पर आते हैं, अगली धातु है स्प्रह, स्प्रह मतलब चाहना या इच्छा रखना या इच्छा करना। जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, किसी चीज़ को चाहते हैं, हमारे अंदर की इच्छा, उसको उस धातु में आने पर भी हमें चतुर्थी विभक्ति का ही यूज़ करना है। राम लड्डुओं को चाहता है, राम लड्डुओं को चाहता है, यहाँ पर चाहना अपनी इच्छा भी है कि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगना, अच्छा लगना रोचते होता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ चाहना, चाहना में भी वो अच्छा लग रही है बात, तो राम है मोदकेभ्य। तो यहाँ पर देखेंगे जो लड्डुओं को चाहता है, तो लड्डुओं को चाह रहा है इसलिए राम है मोदकेभ्य स्प्रहति, राम है मोदकेभ्य स्प्रहति। तो इसका मतलब इसमें भी आपका स्प्रह में भी चाहना इच्छा रखना, इसमें भी क्या आता है आपका, चतुर्थी विभक्ति आता है। जैसे किसी चीज़ को इच्छा रखेंगे वहाँ पर भी आप चतुर्थी विभक्ति का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, ये बहुत IMP और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, नमे मतलब नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वाहा जैसे हम पूर्ण आहुति देते ना, स्वाहा यज्ञ में आहुति देना स्वाहा, उसमें स्वदा मतलब, यहाँ पर स्वदा मतलब जानते हैं क्या, तो स्वदा मतलब हवि ध्यान करना, बलि ध्यान करना, बलि का देना, वो स्वदा होता है। अलम, अलम यहाँ पर मत या नहीं नहीं, अलम यहाँ पर पर्याप्त या समर्थ की बात, ये चीज़ पर्याप्त है, वो चीज़ समर्थ है, इसके लिए ये चीज़ इतना समर्थ है, वो इसके लिए समर्थ है, या ये इस चीज़ के लिए पर्याप्त काफ़ी है, तो वहाँ पर आपका अलम। और एक आपका वसट, वसट मीन्स आहुति के लिए ही वसट यूज़ करते हैं। जैसे हम आते नमः गुरुवे नमः, तो गुरु जी को नमस्कार, गुरु के लिए नमस्कार, तो गुरु के लिए तो जनरली नहीं बोलते, अगर गुरु जी को नमस्कार ही बोलते हैं, लेकिन अगर बोलने का सेंस अगर चेंज किया जाए तो वहाँ पर गुरु के लिए नमस्कार होता है। तो के लिए में वैसे भी चतुर्थी व्यक्ति के यूज़ करते हैं, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं, गुरु को नमस्कार, तो गुरुवे नमः ऐसे लिखते हैं ना, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार, तो श्री गणेशाय नमः, हम ये नहीं कहते गणेश जी के लिए नमस्कार, वहाँ पे कहते हैं गणेश जी को नमस्कार, तो श्री गणेशाय नमः।
अब इसके बाद अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा का मतलब क्या होगा? अग्नि को पूर्णाहुति देना, यज्ञ में अग्नि को पूरे तो अग्ने अग्नि देवता को पूर्णाहुति देना यज्ञ में, तो अग्ने स्वाहा बोलते हैं ना, अग्ने स्वाहा जो यज्ञ पे बैठते हैं तो वहां पर स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा के पहली बात अग्ने स्वाहा, जो भी चीज में जिसको भी हम आहुति दे रहे होते हैं उसके पहले हम उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे, अग्ने स्वाहा, अग्नि को हमने आहुति दी है पूर्णाहुति अग्ने स्वाहा। अब इसके बाद लिखा है मानवे स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब क्या था? कल्याण, मानवों का कल्याण हो, मानवों का कल्याण हो, तो जब कल्याण की बात आ रही तो मानवे स्वस्ति, मानवों का कल्याण हो, इंसानों का कल्याण हो, इस तरीके से यहाँ पर हम चतुर्थ व्यक्ति का यूज करते हैं। तो कहाँ का करते हैं? नमे मतलब नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वाहा स्वाद अलम और वस्ते आहुति में, समझ में आ गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की धातु है आपकी क्रोध मतलब गुस्सा करना, क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, विद्रोह करना, ईश्र ईश्रा करना, और असूय मतलब जलन रखना किसी से या किसी का गुण दोष देखना कि अरे ये अरे वो अरे, तो इस तरीके चीज़। शिक्षक छात्र पर गुस्सा करता है तो किस पर गुस्सा कर रहे हैं भैया? छात्र पर, तो शिक्षक छात्राए क्रुध्यंती, शिक्षक है छात्राए क्रुध्यती, तो छात्र पे स्टूडेंट पे कर रहा है तो शिक्षक है छात्राए क्रुध्यती। पाकिस्तान भारत से जलता है, जलन रखना, जलना मीन जलता है मीन्स जलन रखने वाली बात, तो पाक देश से भारत आए असूयती मतलब भारत देश से पाकिस्तान जो है वो जलन रखता है, तो ये आपका जो असूयत आ गया, यहाँ पर देखेंगे आप असूय जो धातु है, असूय धातु में जलन रखना, यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आती? चतुर्थ व्यक्ति, तो पाक देश है भारत आए असूयती। तुम उससे ईर्ष्या करते हो, जलन ईर्ष्या करने में भी चतुर्थ व्यक्ति आएगी, तो तुवम तस्मे कौन उससे, तो आपका तुवम तस्मे ईर्ष्यति, तुम्हें तुम मतलब तुम उससे ईर्ष्या करते हो तो तुवम तस्मे ईर्ष्यति, वह तुमसे द्रोह करता है, द्रोह या विद्रोह करना एक ही बात है, तो सा मायाम द्रुयति, वह मुझसे द्रोह करता है, वह मुझसे द्रोह करता है तो सा मायाम द्रुयति, माया मुझसे कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आएगी? चतुर्थी व्यक्ति आएगी। तो हमने देखा कि क्रोध मीन्स गुस्सा करना, क्रोध करना, द्रोह मतलब आपका द्रोह करना, ईर्ष्या करना या जलन रखना, अस्वयं या गुणदोष देखना किसी के अंदर, तो वो सब चीज़ों में आपका कौन सी व्यक्ति आती है? चतुर्थ व्यक्ति आती है। अब एक और IMP और आखिरी है दृ, दृ मतलब होता है धारी या कर्जदार होना, किसी का ऋणी होना, दृ मतलब धारण करना भी होता है, ऐसी धारणा, मेरी ये धारणा है, मेरी वो धारणा है, तो वो धारणा में भी आ सकता है, साथ में किसी का कर्ज रखना ऋणी होना, तो वहाँ पर भी आपका चतुर्थ व्यक्ति आएगी। अमन श्रवण के 100 रुपये का कर्जदार है, अमन जो है वो श्रवण के कितने रुपए का कर्जदार है? 100 रुपए का कर्जदार है, तो अमन है श्रवण है, किसका है? श्रवण का है, इसलिए श्रवण में आएगी चतुर्थ व्यक्ति, अमन है श्रवण है सत्य धारियति, मतलब अमन श्रवण के 100 रुपए का कर्जदार है या 100 रुपए का ऋणी है या 100 रुपए का धारी है उसका धारी। अब ये देखिए, ये तो होगा, लेकिन ध्र धातु में धारणा भी होती है, एक धारणा, तो उसमें भी चतुर्थी व्यक्ति, यहाँ पर भी धारणा की बात हो रही, वहाँ पर भी हम चतुर्थी व्यक्ति ही लगाते हैं। तो गाइस इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जब के लिए शब्द आता है के लिए तो हम चतुर्थी व्यक्ति यूज करेंगे, नहीं तो उपपद व्यक्ति में दायच धातु, रुच धातु, स्प्रह धातु, नमस्कार, इसमें या फिर क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय धातु या ध्रह धातु, इन सब धातुओं में हमें चतुर्थ व्यक्ति का यूज करना है। और इसके अलावा नमे, स्वस्ति, स्वाहा, स्वादा, अलम और बस्ट, इन सब में हमें चतुर्थ व्यक्ति का यूज करना, तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए और रट लीजिए, इसी के साथ आपकी चतुर्थ व्यक्ति क्या होती है? फिनिश होती है। तो गाइज अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और आपका जो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूं संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी या मैथ्स टेक्स रिलेटेड, तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए और आप उसको देख सको, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको, जिससे कि आपका परीक्षा में या एग्जाम में कोई आपके रुकावट आए, आपके नंबर कम आए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।